Hey, what's up, everybody? Welcome back to my YouTube channel, and you are watching Amar Vlog. So, welcome back to Fresh Vlog. और उम्मीद करता हूँ तुम सब में घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे. तो कुछ नहीं, बस अभी ATM गया था ऊपर, काफ़ी दूर यार. मतलब इतना सीन हो रहा है यहाँ पे ATM में, क्योंकि तुम्हें पता है रूरल एरिया है, तो यहाँ पे लोग परवाह नहीं मारते कि चलो यार कभी बंद कर दे, कभी खुल गया. तो आज यार आज फर्स्ट सैटरडे, ठीक है. तो मम्मी ने बोला जा यार ATM से पैसे निकलवा के ला. तो ऊपर था वो बंद पड़ा हुआ है, वो था कौन सा केंद्र है, कांगड़ा कौन सा बैंक है. तो वहाँ गया, वो बोलते अंकल बंद है. मैं बोला अंकल आज तो फर्स्ट सैटरडे, आज क्यों बंद है, सेकेंड और फोर्थ को मान सकता हूँ मैं. फिर अंकल ने बोला कि इनका मन होता कभी बंद कर जाते. तो मेरे को सीन बहुत बेकार लगा. फिर मैं गया ऊपर, वो ऊपर चामुंडा मंदिर देखा, किसी ने चामुंडा मंदिर, वहाँ पे एक ATM आता है SBI, तो वो खुला था, वहाँ से पैसे निकाल के लाया. बट वहाँ भी सर्वर डाउन चला था, पर बहुत ही मुश्किल से पैसे निकाले. तो अब भी जस्ट घर पहुँचा, पूरा पसीना पसीना हो गया. तो मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग शूट करते हैं और थोड़ी बातें भी कर लेते हैं. तो कुछ नहीं, सबसे पहले यार सूखी MCL ना, इतनी ज़्यादा सूख तो गई नहीं है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. पर थोड़ा बहुत पत्थर तो ये बन ही गया है, तो इसको पहले अंदर ले चलते हैं. तो इसको मैं रख देता हूँ बेड के ऊपर. तो ये इतना ज़्यादा पत्थर नहीं बन गया, पता क्या सीन हुआ कल. तो मैंने पापा को फ़ोन किया व्लॉग के बाद, तो मैं बोला पापा मैंने ऐसे ऐसे MCL लगाई है, तो मेरे को बताओ कि ये पत्थर कैसे बनेगा, क्योंकि पापा ने एक बार MCL लगाई थी, इतना पत्थर बन गया था वो. तो पापा ने बोला बेटा कि इसको अपने कहीं भी जगह में रख दे, बस इसको धूप में मत रखियो. फिर मेरे को याद आया, मैं बोला मैंने तो धूप में रखी थी. मैं बोला पापा मैंने तो धूप में रखी, सूख जाएगी. पापा बोलते पागल, सूखने से अलावा सूखेगी नहीं वो, उल्टा वो क्या और मेल्ट हो जाएगी सच में. और मैंने आग लगा टिप्पी, वो गर्म हो गई थी और मेल्ट होना शुरू हो गई थी. तो अभी मैं ऐसे छाँव में रखी थी, तो अभी तो क्या सीन है ना, अभी पत्थर तो इतना बन नहीं गया. मैं थोड़ा फोकस मारता हूँ, देखो इसको देखो तो फिलहाल टाइट हो ही गया है. फिर मेरे को याद आई, हाँ भाई प्लास्टर भी पड़ा हुआ था, तो मैं वो सोचा कि उससे भी टेपिंग थोड़ी बहुत कर देंगे. प्लास्टर भी पड़ा है उसके ऊपर, मैं फिर कल ये 2500 रुपये की मैं सेलो टेप लेके आया, इसकी भी करनी पड़ेगी. तो आज कुछ भी करके हमें डन करना है ये, और पेंट करना होगा वो मैं बाद में कर लूँगा. तो कुछ भी करके डन करते हैं इसको. तो चलो अपने काम पे लग पड़ते हैं. तो मैं बहुत सारा किया, जो प्लास्टर होता है हर जगह यूज़ होता है, और इसकी जो स्टिकीनेस जो गम होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो टेप में मैं कल बोल रहा कि बड़ी वाली लेना, कि ये तो यार छोटी जो होती है उसमें ग्लू बिल्कुल भी नहीं होती. और हाँ तुम बोल रहे हो अक्षर तुमने ब्लैक वाली बिजली की गुली ली, तो यार वो रिकमेंड मत करना कभी भी, क्योंकि वो बिजली की तार में तो बिल्कुल अच्छे से टाइट होती है, बट कोई भी तुम दीवार कहीं भी चिपकाओगे तो बिल्कुल भी काम नहीं करती. तो सबसे पहले मैं सोच रहा था यार, मैंने इसको देखा, पर ये थोड़ा देखो ना इतना मतलब सूखा तो है नहीं है, मैं वही देख रहा था इसको. पर चलो फिलहाल हमें कुछ भी करके ना पत्थर तो इसको बनाना ही है. तो चलो यार इसके ऊपर पहले प्लास्टर लगाना शुरू करते हैं. मैं तो वही देख रहा था, मैं सोच रहा था इसके ऊपर लगा तो मैं दूंगा ना. एक बार टाइट हो जाए ना, ये मजा ही आ जाएगा. मेरा PUBG वाला जो मैंने बनाया था वो डक जाएगा इस बार. चलो कोई नहीं, या धूप में मत रखना, ये गलती मेरे से हो गई ना. पापा मेरे पास थे, बोलते तू पागल तो नहीं, धूप में रखेगा ये और मेल्ट हो जाएगी. सच में यार मेरे को पता नहीं था इस चीज के बारे में. तो लगा तो मैं देता हूँ इसको अच्छे से, और बन तो सही जाएगा यार ये. और राह की फ़ोन ना गिर जाए उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि खतरा होता है ना कहीं तेज़ चला रहे हो स्कूटी वगैरह तो गिर जाए. स्कूटी में बेसिकली इसको मैं कम यूज़ करूँगा, कर ज़्यादा करेंगे हम साइकिल में, क्योंकि साइकिल में इतना दम तो लगता नहीं है ना, तो साइकिल में इसको यूज़ करने वाले हैं. वाया सही टाइट हो गया बिल्कुल, थोड़ा रहा बस इसका पेंट करने का सिस्टम, वो देखते हैं. पेंट करता हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना यार, ये मेरे को पसंद नहीं लगेगा ऐसा, मतलब ठीक ठाक ही लगेगा. तो पेंट अपने शायद, अगर मेरे पास शायद है, मेरे पास पक्का नहीं कह सकता, शायद नहीं है, शायद है शायद नहीं है, मतलब बोलना चाहता हूँ मैं नहीं है मेरे पास शायद, पेंट ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने मम्मी की अलमीरा में कर दिया था. अंकल से पूछ लेंगे, एक सामने वाले अंकल हैं उनकी भी पेंट की दुकान है, उनको बोलेंगे अंकल आप ही कर दो. वो बेसिकली वो तुमने देखा होगा जो मंजिल वगैरह नहीं होते ये पैड बोर्ड, उनमें पेंट करते हैं, तो उनको बोलेंगे आप ही कर दो थोड़े बहुत पैसे, इतने बनेंगे दे देंगे पैसे. अच्छे से इसको टाइट हो जाए ना बिल्कुल, मैं तो कर रहा हूँ कि गिरे ना. हाँ अब टाइट हो गया बहुत सही. मेन होता है इसका बेसिकली फ्रंट वाला, इसको बिल्कुल मोटा कर देना.
मेरे को पहले सेलो टेप नहीं लगानी चाहिए थी। अरे यार चल कोई नहीं, ये ठीक लगेगा। तो तुम सुनाओ यार, और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मैं तो ऐसे को डेली काम करता रहता हूँ यार, तुम भी ट्राई करा करो। और हाँ यार सच में यार बताना भूल गया मैं, जो कल जो मैंने ट्राईपॉड मंगवाया था ना पतला वाला यार, वो सच में बहुत महंगा हो गया। उन्होंने 599 का कर दिया है और मैं 300 समथिंग का खरीदा था। तो तुम्हें पता है ना लॉकडाउन का ये डिसएडवांटेज है कि सारी कंपनियाँ प्रॉफिट कमाएंगी, तो 550 हाँ 600 रुपये तक पहुँच गया यार वो। तो मैंने तो सिंपल तुम्हारे लिए माउंट ही कर दिया था, मेरा माउंट कर लो क्योंकि यार सच बोलो ना बहुत महंगा कर दिया। जब मैंने लिया था ना वो वाला, तो मैंने 300 समथिंग का लिया था, अब उन्होंने 599 का 600 रुपया कर दिया विद रिमोट और एक माउंट है और वो। तो अब देख लो तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, बट रिकमेंड करूँगा किसी ज़्यादा माउंट के साथ जाओ। अगर तुम व्लॉगिंग करते हो या तुम्हें शौक है शूटिंग वगैरह करने का तो तुम ले सकते हो, लग तो सही रहा है बिल्कुल। ये 50 रुपये का था यार प्लास्टर ना, बहुत सही होता है, मतलब टाइट होता है बिल्कुल। टाइट करके लगा दूँ ना इसको, एक बार रोल कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। इसका बैक कैमरा कसम से बोल रहा हूँ सही होता ना मजा यार, इस फोन को तो मैं ठीक करा ही लूँगा। तो तुम देख सकते हो यार क्या तोड़ू लग रहा है, राइट? ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे करके पहनता हूँ ना हिल भी नहीं रहा यार, बहुत सही लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करके पहनता हूँ ना, थोड़ा बहुत वेट लग रहा है मेरे को, बट अगर ये गिरे ना यार, अगर गिर गया तो ये फोन कुछ इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। उन्होंने तो रबड़ लगाए थे ना, पर मैं देखता हूँ क्या लगाता हूँ मैं यार। बाबा इसका कसम से बैक कैमरा सही होता ना, मैं 100% इसको लगा लेता इसका फोन का। यार सबसे गंद सीन इसका ये लगता है, टेप एक बार खोल दो तो बंद नहीं होती है, पर नई नई में तो मतलब मिल जाता है हुक्का में लगाने वाला। तो यहीं पे पूरी चीज़ ख़त्म होती है। अपना जो हेलमेट इतना सही लग रहा है, तुम्हें एक लुक मैं दिखा देता हूँ तो तुम देख सकते हो यार कितना सही लग रहा है ये पूरा। इसमें लगा दिए मैंने कैमरा वगैरह, तो तुम जिसका बैक कैमरा अच्छा है यार तुम उसको उल्टा रोटेट करके भी लगा सकते हो, तो तुम देख सकते हो ये पूरा अच्छा लग रहा है यार। इसका जो फ्रंट का व्यू है वो भी बहुत सेक्सी लग रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, शायद मैं बस पेंट पड़ो तो मैं खुद ही कर लूँगा, वो वीडियो में नहीं कवर करते हैं। और अगर नहीं होगा तो सामने वाले अंकल हैं उनसे पेंट करवा लूँगा मैं, जितने पैसे बनेंगे उनको दे देंगे। तो बहुत सेक्सी लग रहा है, तो एक बार ना तुम एक बार ना जब सिर में पहनूंगा तुम वो देख लो, फिर आगे करते हैं बात। तो तुमने देखी मेरे सिनेमैटिक वीडियो, मैंने ऐसे जरा सी बनाई। तो यार तुम बोल रहे होंगे यार कि अक्षय सही में बहुत सही लगा, तो यार तुम दिल मत छोड़ा किया करो अपना कि यार हम तो थोड़े मतलब कम हमारा बजट है, हम एक्शन कैमरा ले सकते हैं, बस अच्छा माउंट नहीं है। तो देखो यार तुम्हारे भाई ने इतने में तैयार कर दिया। सिंपली क्या चाहिए, तुम्हें एक हेलमेट चाहिए। अगर मेरे पास दूसरा वाला हेलमेट होता तो मतलब
नेक्स्ट लेवल ही बात होती है। उसमें मैं अंदर से माइक लगाता आराम से बोलता फ़ोन में, बट कोई बात नहीं, इसमें सिंपल सी वीडियो भी आ जाएगी। इसमें ये एडवांटेज है कि मैं साइकिल जब चलाऊंगा तब इसमें ज़्यादा फड़फड़ नहीं होगी, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है वो स्कूटी में ही चलती है। नहीं तो हम आराम से सिंपल ऐसी वीडियो बना लेंगे, बाद में हम खुद पीछे से बोल सकते हैं अपना साउंड ऐड करके। बट हमें मेन था कि यार जब हम कहीं घूमने जाएँ बाहर तो एक अच्छी सी वीडियो बन जाए, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से बन जाएगी। इसको पेंट कराना है तो मैं तो बड़ा खुश हूँ यार कि मतलब खुद मतलब प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये सही बन जाता है। फाइनली डन हो गया ये भी, और कुछ नहीं, हर वीडियो में तो दिखानी होती है अपनी रानी, जो अपनी रानी एंटॉक है, तो रानी एक खड़ी है। और मौसम फिर से काला हो गया यार, ऊपर बादल छा रहे हैं। तो कल मम्मी ने यहाँ पे खुद धागा बांधा, मम्मी ने मैंने मेरे को बोला था मम्मी ने, पर मैं सब खेलने चला गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो जो धागा दिख रहा होगा, ये मम्मी ने बोला कि बेल को सपोर्ट चाहिए होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी बेलें निकल आई हैं। तो मम्मी ने बोला बेल को सपोर्ट चाहिए होता है, तू तो अपना खेलता रहता है, खेल में मस्त रहता है। और तो मैं बोला चल तुम ही कर लो यार अपनी साइकिल में। अब बिल्कुल थोड़ा ये है कि जो भारी हो गया थोड़ा, बट इतना नहीं हुआ है, चलता है, इतना सिर अपना कर लेंगे हम, कोई सीन नहीं है। और गिरने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि अंदर हम सील है, उसके ऊपर मैंने इस पर प्लास्टर लगाया, उसके ऊपर सेलो टेप, उसके ऊपर प्लास्टर, तो ऐसा कोई सीन नहीं कि गिर जाए। इनकेस गिरता तो एक और एम सील लगा के और इसको टाइट कर लेंगे। और कुछ नहीं, खड़खड़बड़ी हो रही है, ये अपना कैरम बोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया। और कुछ नहीं, बस ऐसे दिन निकल रहा था, 3 दिन की छुट्टी थी यार, आज सैटरडे संडे और मंडे, 3 दिन छुट्टी है, तो खूब सारे व्लॉग्स डालेंगे। और बस यार तुम अपना सपोर्ट दिखाओ, बस सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को, ऐसे अच्छे से मोटिवेशन सी मिलती है कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है तो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम भी ट्राई करो यार। ज़्यादा कुछ नहीं है, 100 रुपये की एम सी लाएगी, एक 20-30 रुपये की सेलो टेप आ जाएगी, और प्लास्टर 50 रुपये का आ जाएगा, और एक तुम्हारे पास माउंट होगा तो वो लगा देना, एक और माउंट कोई भी माउंट लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये पहले जो मैं जिस इस फ़ोन में लगाया, पर ये नहीं लगाऊंगा, इसके लिए व्लॉगिंग में बहुत अच्छा लगता है ये वाला माउंट। पैसे जब आ जाएंगे तो उसमें एक अच्छा सा माउंट और लगवा लूँगा जो टाइट करने वाला होता है, फ़ोन नहीं गिरता यार। बैक कवर लेना बस, अच्छा सा मैंने बैक कवर लेना है उसका, सैमसंग का, या फिर हाँ बैक कवर लेता हूँ, फिर गिरेगा तो थोड़ा बहुत बच ही जाएगा, पर गिरने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि हम इतना तेज़ चला नहीं रहे हैं। बस अब देखता हूँ कि कैसी इसकी आती है, क्या बोलते, जो बार की फुटेज लेता हूँ एक बार। हाँ फाइनली हो गया भाई, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। पर यार कल बहुत मतलब दिमाग ख़राब हुआ, धूप में रख दी मैंने एमसील, और एमसील मतलब पत्थर बनने से और पिघल गई वो, तो मेरे को पता नहीं, फिर मैंने पापा को पूछा, बोलते ऐसे ऐसे बाहर रख, मतलब ठीक है भाई चलो अब रख लेते हैं बाहर। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक देखते रहिए।